very good morning, students. Students, last class तक हमने female reproductive system का entire structure अच्छे से पढ़ लिया, उसके primary reproductive organ, secondary reproductive organ, various glands, जिसमें से most important mammary gland, उसको हमने बहुत सारी tricks के साथ learn किया है. Now in today's class, we'll start with oogenesis, that is the process of formation of mature female gamete or ovum. जैसे कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, अभी हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ही पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसमें गैमेटोजेनेसिस आता है, और फिर ये गैमेटोजेनेसिस के बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे स्पर्म और ओवम जो फॉर्म हो गए हैं वो फर्टिलाइज होंगे. सो इन टुडेज क्लास लेट्स डील विद द प्रोसेस ऑफ ऊजेनेसिस. एंड वॉट डू वी मीन बाय ऊजेनेसिस? जैसा कि नाम बता रहा है, ऊ मीन्स ओवम के लिए और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. सो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ओवम, और ओवम को ही कहते हैं ऊटेड. नाउ स्टूडेंट्स, ये स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत सारी बातों में बहुत डिफरेंट है, और उसका मेन रीजन ये है कि मेल की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, हमने पढ़ा था, वो अनलिमिटेड होती है. यानी एक बार प्यूबर्टी पर जैसे ही FSH, LH के अंडर स्पर्म्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो ऑल थ्रू देयर लाइफ दे आर एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड दे कैन हैव चिल्ड्रन. बट फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ लिमिटेड होती है. फीमेल जो है वो 48 टू 52 ईयर्स के बीच, एक एवरेज हम 50 ईयर्स माने, तब तक आते आते उसके जितने भी प्राइमरी फॉलिकल्स जो फिक्स्ड स्टॉक लेकर वो पैदा हुई है वो खत्म हो जाते हैं. उस इस कारण से उसमें फर्दर ओवम का प्रोडक्शन नहीं होता है, और वो शी कैनॉट बेयर चिल्ड्रन आफ्टर दैट. शी कैनॉट हैव चिल्ड्रन विथ हर ओन एग्स. आप सुनते होंगे आजकल 60 ईयर्स में किसी कपल को बेबी हुआ है, वो सब एग डोनर से होता है. उसकी बात हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में करेंगे, विच इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. बट 50 ईयर्स के बाद एक बार जब किसी लेडी का प्राइमरी फॉलिकल्स का स्टॉक खत्म हो जाता है, तब वो खुद के ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती. यानी रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ फीमेल इज लिमिटेड, वेयर एज ऑफ मेल इज अनलिमिटेड. नाउ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा था कि फिफ्थ वीक तक जो जर्म सेल्स हैं वो एक्स्ट्रा गोनाडल होते हैं, यानी वो योग सैक में प्रोड्यूस होते हैं. फिफ्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक वो गोनैड में पहुंच जाते हैं, पर गोनैड्स का डिफरेंशिएशन एट्थ वीक तक होता है, यानी टू मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी तक होता है. और फिर ये जो प्राइमरी जर्म सेल्स हैं ये एज इट इज टेस्टिस में रहते हैं, और जब व्हेन द बेबी इज बॉर्न, दैट मेल चाइल्ड बॉय इज बॉर्न, और फिर जब उसकी प्यूबर्टी आती है 11-12 ईयर्स पर, तब ये प्राइमरी जर्म सेल्स, जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया हमने कहा था, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं. यानी मेल्स में स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस एट प्यूबर्टी शुरू हुआ था और लाइफ लॉन्ग चलता है. फीमेल्स में स्टूडेंट्स, एग फॉर्मेशन का प्रोसेस मदर की वूम के अंदर, यानी इन यूट्रो, यानी फीटल लाइफ में ही शुरू हो जाता है. नाउ दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. मेल्स में प्यूबर्टी पे शुरू हो रहा है, फीमेल्स में बिफोर बर्थ ही शुरू हो जाता है. बिफोर बर्थ शुरू होने के बाद में कंप्लीट कब होता है वो? मेल्स में तो हर 74 डेज में कंप्लीट स्पर्म बन जाता है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स, हमने पढ़ा था. बट यहां पर ये प्रोसेस, यानी जो ऊगोनिया है, जो मदर सेल है, वो ओवम जो बनाएगी वो तभी कंप्लीट होगा अगर फर्टिलाइजेशन हुआ. और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ स्टूडेंट्स, तो ओवम कभी बनता ही नहीं है, मैच्योर गैमेट कभी नहीं बनता. सेकेंडरी ऊसाइट की स्टेज पर ही वो बॉडी में ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकल जाता है. तो ये कुछ बहुत बहुत अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट है. ऑलराइट, और ये इसलिए क्योंकि फीमेल्स जो है उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ लिमिटेड होती है. तो हम ट्रिक्स पढ़ेंगे इसमें बहुत सारी, और हम कोशिश करेंगे इन सब इवेंट्स को अच्छे से समझने का और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने का जो भी वेरियस प्री मेडिकल में आते हैं. सो
What all points can we write? पहले हम कुछ general points लिख लेते हैं. Number one is that reproductive life, मतलब वो time जबकि एक lady reproduce कर सकती है, of female is limited. जबकि male का reproductive life is unlimited. So this is one thing. Now, again जो main germ cells हैं female के भी वो एक्स्ट्रा गोनाडल ही होते हैं, यानी वो ओवरी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते हैं. ओगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, वो कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, योक सैक में. सो फीमेल जर्म सेल्स आर आल्सो, दैट मींस लाइक मेल जर्म सेल्स, दे आर आल्सो एक्स्ट्रा गोनाडल. और कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म योक सैक. ये स्टूडेंट्स आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ लेंगे कि ये क्या स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं. बट अभी तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि मेल और फीमेल दोनों के ही जर्म सेल्स, मदर सेल्स, एक्स्ट्रा गोनाडल हैं, सेम लेयर से प्रोड्यूस होते हैं, एंड बाय फिफ्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी दोनों में ही, बाय फिफ्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी दे विल माइग्रेट इनटू गोनाड्स, माइग्रेट इनटू गोनाड्स. सेम जैसा कि मेल्स में हो रहा था, सेम प्रोसेस हो रहा है, अभी तक कोई चेंज नहीं है. नाउ ओवरी और टेस्टिस अलग अलग कब दिखेगा, कब डिफरेंशिएट होगा? बाय एट्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी. सेम, so by eighth week of pregnancy what will happen? Ovary will be differentiated. और अगर male child है, क्योंकि जो इसका sex है वो तो fertilization के time ही decide हो गया है, ovum और sperm में से XX combination पहुंचा है sex chromosome का या XY, तो तभी decide हो चुका है already, जैसे ही fertilization हुआ है. So ovary will be differentiated if it is a XX, that is a female baby, female child. So this is the same point जो हमने spermatogenesis में पढ़ा है. अब यहाँ difference ये है कि spermatogenesis puberty पे शुरू होता है, but oogenesis starts before birth in the mother's uterus. ही eighth week में जैसे ही ये cells, जैसे ही ovary differentiate होती है, ओवम, ओजेनेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है. ओवम नहीं बनते पर उसकी तैयारी, उसके बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है. सो नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ओजेनेसिस स्टार्ट्स बिफोर बर्थ, दैट मींस इन द यूट्रस. सो इट इज कॉल्ड इन यूट्रो फ्रॉम second month of pregnancy. और ये complete कब होगा? Complete मतलब जब mature female gamete, जब ovum बनेगा, तब हम कहते हैं completion होना. जैसे spermatogenesis कब complete होता है? जब sperm बनता है 74 days के बाद. उसके पहले की कोई भी stage बनी है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो process complete हुआ है. So and completes only after fertilization. अगर fertilization नहीं हुआ, अगर sperm नहीं उसके अंदर enter हुआ है, fuse हुआ है, तो कभी भी ovum बनेगा ही नहीं. Now this is a very very interesting fact. So it starts before birth and it completes only after fertilization. जबकि ऐसे दोनों कोई भी points spermatogenesis में नहीं होते हैं. वो प्यूबर्टी पर शुरू होता है और हर 74 डेज में प्रोड्यूस स्पर्म करता ही करता है, फर्टिलाइजेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. नाउ स्टूडेंट्स व्हाट वी आर डूइंग, हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसको पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखेंगे. आइए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस नाउ. नाउ हम यहां से स्टार्ट करते हैं सेंटर से. लेट अस सपोज ये एक मदर सेल है, जर्म मदर सेल, जिसे हम ओगोनिया भी कह सकते हैं. सो दिस इज फीमेल जर्म सेल
और ऊगोनिया, ऊगोनिया, जैसे वहां स्पर्मेटोगोनिया था। अब ये जो फीमेल जर्म सेल है ये कब शुरू कर रहा है ये सारा अपनी प्रोसेसिंग? इन द फीटल लाइफ, फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। दिस ऑल इज हैपनिंग, दिस ऑल इज स्टार्टिंग। नाउ ये माइटोटिक डिविजन्स अंडरगो होगा। तो सपोज इसने दो इक्वल साइज के ऊगोनिया बनाए, फिर और ऊगोनिया प्रोड्यूस किए लाइक दिस, और इसमें से कुछ में डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन होगा मींस वो आगे बढ़ेंगे ओवम बनाने के लिए, यानी उन ऊगोनिया से प्राइमरी ऊ साइट्स फॉर्म होंगे। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज देयर इज माइटोसिस एंड देयर इज डिफरेंशिएशन, सेम जैसा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हो रहा था, पर ये सब वहां प्यूबर्टी पर शुरू हुआ था। सो देयर इज माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन होने के बाद में इनमें से कोई भी जो भी कुछ ग्रो करके मियोसिस शुरू कर देती है। पहले वो प्राइमरी ऊसाइट बनाया, ये सपोज प्राइमरी ऊसाइट है, लेट अस राइट हियर दिस इज प्राइमरी ऊसाइट। नाउ व्हाट हैपन्स स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, ये सब अभी मदर की यूट्रस के अंदर हो रहा है। ये प्राइमरी ऊसाइट का मतलब है कुछ डिफरेंशिएटेड हुई ऊगोनिया जिन्होंने मियोसिस वन में एंट्री करी, और मियोसिस वन में एंट्री करके ये मियोसिस वन के प्रोफेज वन की डिप्लोटीन स्टेज में आके अटक गई। यहां किसी ने पॉज बटन दबा दिया, जैसे अपन मूवी देखते हैं और अपन पॉज दबा देते हैं, या किसी ने पॉज बटन दबा दिया फीटल लाइफ में ही मदर के यूट्रस के अंदर, या जैसे आप वॉशिंग मशीन चलाते हैं पॉज बटन दबा दिया। अब जब कोई आकर उस पॉज बटन को दोबारा प्रेस करेगा, उसको ओपन करेगा, प्ले करेगा, तब वो पिक्चर या वो कपड़े धोने का काम वहीं से दोबारा चालू होगा। यानी अभी ये अटक गई हैं। सो प्राइमरी ऊसाइट जो हैं दे आर अरेस्टेड एट डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन के प्रोफेज वन की डिप्लोटीन स्टेज में अटकी हुई है। हम इसके लिए ट्रिक भी लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। दे आर अरेस्टेड, पॉज बटन दबा दिया यहां किसी ने। अब जितनी भी ऊगोनिया थी वो सब की सब प्राइमरी ऊसाइट की स्टेज में अटक गई, और ये जो मैक्सिमम फॉर्मेशन हो जाता है स्टूडेंट्स, लेट अस राइट हियर, ये सब कुछ, ये जो प्रोसेस हो रहा है स्टार्ट, ये पूरा इतना, ये सब, दिस इज हैपनिंग इन फीटल लाइफ, इन फीटल लाइफ ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स एट सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी या बाय 8 वीक्स, जैसे ही ओवरीज डिफरेंशिएट होती है एट सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, और मैक्सिमम जो ऊगोनिया फॉर्म हो जाते हैं, मैक्सिमम ऊगोनिया फॉर्म्ड बाय 22 वीक्स, यानी 4.5 मंथ्स तक मैक्सिमम ऊगोनिया फॉर्म हो जाते हैं। दैट मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो ऊगोनिया, नो न्यू ऊगोनिया विल बी फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ, जबकि स्पर्मेटोगोनिया लगातार प्यूबर्टी के बाद प्रोड्यूस होते रहते हैं ताकि नए नए स्पर्म्स बना सके। बट यहाँ पर कोई न्यू ओगोनिया बर्थ के बाद ऐड नहीं होगा, यानी वो जो बच्ची है वो ऊगोनिया, और ऊगोनिया किस फॉर्म में, प्राइमरी ऊ साइट के फॉर्म में लेकर एक फिक्स नंबर के साथ पैदा होगी, एक फिक्स स्टॉक के साथ पैदा होगी। नाउ यहाँ पर सपोज बर्थ हुआ एट बर्थ, सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, कि मैक्सिमम ऊगोनिया कब तक बन जाते हैं, 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक बन जाते हैं। कुछ कुछ बुक्स में 25 वीक्स तक भी ये रेंज हो सकती है, और स्टार्ट कब होता है ये, सेकेंड मंथ, यानी 8 वीक्स, 1 मंथ को हम 4 वीक्स मानते हैं। नाउ एट बर्थ, जो सेल आ रहा है
वो क्या कौन सा है, यही प्राइमरी ऊसाइट है. दिस इज द प्राइमरी ऊसाइट, सेम प्राइमरी ऊसाइट अरेस्टेड एट डिप्लोटीन स्टेज. अभी भी पॉज बटन है, कोई आगे प्ले करना है इसको भूल गया. नाउ व्हाट विल हैपन, पूरा चाइल्डहुड यानी जब तक कि उसकी प्यूबर्टी नहीं आ जाती. प्यूबर्टी मीन्स 12-13 ईयर्स की एज एट प्यूबर्टी. 12-13 ईयर्स की एज जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच एलएच निकलवाएगा, फिर वो ओवरीज को एक्टिवेट करेगा. सो दिस इज लेट अस सपोज 11-13 ईयर्स एज. इस समय तक ये जो स्ट्रक्चर है ये प्राइमरी ऊसाइट ही है. इट इज स्टिल प्राइमरी ऊसाइट अरेस्टेड एज अबव. सेम उसी स्टेज में अरेस्टेड एज अबव. ऑलराइट, सो दैट मींस प्यूबर्टी तक भी अभी तक वो इसी स्टेज में अटका हुआ है. यहां तक पूरा वैसे ही अटका हुआ है एट प्यूबर्टी तक. नाउ आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी यानी फ्रॉम बर्थ वी कैन राइट हियर टिल प्यूबर्टी, टिल प्यूबर्टी. इट इज इन द प्राइमरी ऊसाइट स्टेज ओनली. और उस और मेल्स में क्या होता है, मेल्स में तो इस जगह इस स्टेज पे जाके प्यूबर्टी पर आकर स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करना शुरू करते हैं. तो स्टूडेंट्स ये जो फीटल लाइफ का बिफोर बर्थ, फीटल लाइफ मींस बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ ये जो प्रोसेस है जिसमें कि ऊगोनिया मल्टीप्लाई कर रही हैं, मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करके प्राइमरी ऊसाइट बना रही है, यानी वो स्ट्रक्चर जिसने मियोसिस वन शुरू कर दिया है पर अटक गया है डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन में. इस पार्ट को, इतनी साइकिल को हम, दिस पार्ट को हम मल्टीप्लीकेशन फेज भी कहते हैं. मल्टीप्लीकेशन फेज. ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट फेज, मल्टीप्लीकेशन फेज. And this is happening in fetal life. इसमें oogonia क्या कर रहे हैं, primary oocyte की stage तक पहुंच रहे हैं और arrest हो रहे हैं diplotene stage में. Now, पूरा ये जो time है birth पे जब primary oocyte present है तब से लेकर puberty आने तक यानी पूरे childhood में जब सिर्फ primary oocytes क्या कर रहे हैं, ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर जस्ट ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड दे आर ट्राइंग टू ग्रो. सो दिस फेज इज द ग्रोथ फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज. और अगर आप देखें स्टूडेंट्स ह्यूमंस में बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक यानी ऑलमोस्ट 11-13 years लग रहे हैं. इसमें तो कितना टाइम लग रहा है, सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से शुरू हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है फिफ्थ मंथ तक. लेकिन पूरी भी अपन देखें तो 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है, तो 7 मंथ मान लीजिए इसका टोटल टाइम. और वैसे तो मल्टीप्लीकेशन कब कंप्लीट हो जाता है, फिफ्थ मंथ में कंप्लीट हो जाता है. यानी सेकेंड मंथ से शुरू हुआ, फिफ्थ मंथ में कंप्लीट हुआ, यानी 3 महीने में सारी की सारी जितना मल्टीप्लीकेशन होना था हो गया. तो ये तो अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने का पीरियड है. बट ये जो ग्रोथ फेज है ये बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक यानी ऑलमोस्ट 11-13 ईयर्स की है. दैट मीन्स ग्रोथ फेज जो होता है इट इज द लॉन्गेस्ट फेज. ये क्वेश्चन आता है, इट इज फ्रॉम बर्थ टिल प्यूबर्टी. नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर प्यूबर्टी. यहां पर स्टूडेंट्स एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जैसे ही ये ऊगोनिया प्राइमरी ऊसाइट बनाती है, बर्थ के पहले ही बन रही है, उस समय क्या होता है कि ये जो प्राइमरी ऊसाइट है अभी ओवरी के अंदर है तो ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, पहले प्राइमोडियल फॉलिकल बनाएगा और फिर प्राइमरी फॉलिकल बना लेगा. और हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं प्राइमरी फॉलिकल का मतलब इसके चारों तरफ एक सिंगल लेयर अरेंज हो जाएगी फॉलिकुलर सेल्स की, जो पहले फ्लैट होती है स्क्वैमस तब हमने उसे प्राइमोडियल फॉलिकल कहा था, और फिर वो क्यूबॉइडल हो जाती है तब हमने उसे प्राइमरी फॉलिकल कहा था, जिसके अंदर क्या है प्राइमरी ऊसाइट, उसे प्रोटेक्शन देने के लिए, नरिशमेंट देने के लिए. सो
प्राइमरी ऊसाइट किस स्ट्रक्चर के अंदर है स्टूडेंट्स प्रेजेंट? प्राइमरी